आदाब नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट के बी जानी आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में इस्तकबाल करता हूँ। सोचा तेरी सादगी पर लिखूँ एक गज़ल, सोचा तेरी सादगी पर लिखूँ एक गज़ल, अफसोस कि तेरे मेयार के अल्फाज ना मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दू की महबूब व मकबूल तरीन सिन्फ यानि गज़ल की। गज़ल के लगवी माने औरतों के हुस्न की बातें या तारीफ़ करना है। गज़ल की खसूसियत ये भी है कि दौरे माजी से लेकर असर हाजिर तक इसकी अहमियत अफादियत में कोई कमी नहीं आई, और इसकी खासियत यह है कि नहायत अदब और एहतराम के साथ, सलीक़े और शाइस्तगी के साथ, नरम व मुलायम लहजे में, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इश्किया गुफ्तगू भी कहा जा सकता है। वैसे नाजरीन, गज़ल महबूब से इजहार मोहब्बत भी है और दर्द आलम भी। गज़ल की खूबी ये भी है कि शायर के ख्याल को सही सुर और ताल में, जब कोई गुलकार गज़ल के हकीकी तसुरात को अपनी आवाज़ से कानों में रस घोले तो शायखीन का दिल बेख्तियार दादे तहसीन देने लगता है। ऐसी ही एक गुलकारा पूर्वा गुरु हैं, जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि टेलीविज़न के मशहूर शो सारे गमा पा की वो जीनत बनी और इन्हें खूब दादे तहसीन से नवाजा गया, और वो मुख्तलिफ कंसर्ट में अपनी गायकी के ज़रिए समा बांध देती हैं और ख़ूब रंग जमाती हैं। अनगिनत गज़लों को अपनी आवाज़ से सजाया और मौसिकी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए मुलाकात करवाते हैं हैदराबाद की जानी मानी गज़ल गुलकारा पूर्वा गुरु से, और जानते हैं इनकी ज़िंदगी की खास बातें। पूर्वा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है आपको हमारे स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में देखकर। बहुत शुक्रिया आपका और सभी नाज़रीन को मेरा आदाब। पूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गज़ल गायकी का जो सफ़र है, शुरुआत कैसे हुई और आपको ये लगाव कैसे हुआ? जी, एक्चुअली मेरे फादर जो थे नरेंद्र गुरु जी, जी उनसे उनको शौक़ था, मतलब वो तबला भी बजाते थे पहले से। अच्छा। और उन्हीं ने मुझे, उन्हीं से एक तो विरासत में भी मुझे मिला, और बचपन से तो मैं स्कूल में गाती थी। अच्छा। पर उन्होंने मुझे फिर खींचा इस तरफ। अच्छा। क्योंकि वो उम्र कम थी तो उसकी इतनी सीरियसनेस पता नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे सिखवाया, तालीम दी, पहले खुद ही सिखाया उन्होंने मुझे। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे तालीम देना शुरू किया। अच्छा, तो पूर्वा जी, यानी आपको विरसे में ये फ़न मिला है जी। अच्छा, तो आपके उस्ताद कौन रहे होंगे? आपके पिताश्री तो थे, आपके वालिद मोहतरम खुद एक उस्ताद थे, इसके अलावा भी किन गुरुओं का आपको साथ मिला? जी, उसके बाद फिर मैंने उस्ताद सरवत हुसैन खान साहब से भोपाल में तालीम ली। अच्छा। भोपाल से हूँ मैं, और फिर मैंने क्लासिकल सीखा पंडित सज्जन लाल भट्ट से। अच्छा, तो ऐसे करके तीन गुरु हैं मेरे। अच्छा, तो शुरुआत तो हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके गुरु जी की कोई गज़ल सुना दें तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरे गुरु जी की कॉम्पोजिशन मैं सुनाती हूँ, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का कलाम है। मानिल कटते जा
मगर कड़ियां जुदाई की गुजरती है, महीनों में मगर कड़ियां जुदाई की बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपोजिशन थी आपके गुरुजी की। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो वाक़यात आप ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका जो शौक़ था पूरा करने में फैमिली वालों का जो आपका सपोर्ट रहा होगा वो हमें ज़रूर बताइए। फैमिली का सपोर्ट कितना रहा होगा? फैमिली का मुझे, मैं बहुत ही किस्मत वाली कहूँगी अपने आप को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे मेरे फादर का, मदर का। फादर एक तो खुद ही संगीत में तो थे ही, पर वो उम्र कम थी तो उतना रियाज की अहमियत पता नहीं थी, तो रियाज करने से बचते थे। तो मेरे फादर जो थे वो मुझे ज़बरदस्ती रोज़ रियाज करवाते थे, नहीं करो तो नाराज़ हो जाते थे, तो उनके डर से मैं रियाज करती थी। अच्छा। कुछ साल फिर उसके बाद जब अपने आप शौक़ डेवलप हो गया तो फिर खुद करने लगी। पर हाँ, बाकायदा मुझे लेके बैठना, जहाँ जहाँ मेरे शोज़ होते थे वो साथ जाते थे, पेरेंट्स दोनों, मदर फादर, और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट तो बहुत था उनका। अच्छा, तो भाई आपका फैमिली का सपोर्ट तो रहा होगा। गज़ल गायकी की तरफ तो आपका रुझान था क्योंकि आपके वालिद मोहतरम खुद एक तबलिस्त थे, लेकिन आपने यानी एजुकेशन में कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने MA किया है म्यूज़िक में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी। अच्छा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है, विशारद किया है संगीत में। अच्छा, दोनों चीज़ें बराबर आपने बैलेंस में रखी हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई जब संगीत में आपको इतना वक्त देना पड़ता है तो तालीम की तरफ राग़िब नहीं हो पाते, तो आपने ये टाइम कैसे मैनेज किया? हाँ जी, ये बैलेंस करने की बात आपने बहुत अच्छी पूछी है जी। संगीत जैसे कि मेरा पैशन था तो समय निकल जाता था, और फादर जब तक मुझे लेके बैठते ही थे, और जब वो चले जाते थे शोज़ के लिए तो फिर मैं अपना स्कूल का काम कर लेती थी, और जब वो साथ होते थे तो फिर रियाज कर पाते थे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि देखिए पूर्वा जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो फीमेल आर्टिस्ट होते हैं जी वो ज़्यादातर फिल्मी गानों की तरफ रागिब होते हैं, लेकिन आपने गज़ल गायकी को क्यों चुना? गज़ल गायकी मैंने बचपन से सुनी है क्योंकि मेरे फादर को गज़ल का शौक़ था, तो घर में पहले वो जो ऑडियो कैसेट्स होते थे वो बजते थे, तो उसमें मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, बेगम अख्तर जी, जगजीत सिंह साहब, वो सब सुनती आई हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे शायरी की तरफ रुझान बढ़ा। अच्छा। मेरे लिए गज़ल में शायरी का बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा। तो शेर व शायरी की तरफ रुझान बढ़ा तो फिर उससे मैं गज़ल गायकी तरफ चली गई। अच्छा, तो शेर व शायरी से भी आपको काफ़ी दिलचस्पी है? मुझे है, तो मेरा ऐसा मानना है कि गज़ल में पहली इम्पोर्टेंस शेर की होती है, क्योंकि गायकी तो हम ठुमरी, दादरे, इन सब में भी दिखा सकते हैं, गज़ल जब हम गाते हैं तो उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस उसकी गज़ल की होती है, उसके लिरिक्स की होती है, उनको हम स्वरों में ढाल के अपने हिसाब से पेश करते हैं। मतलब आप कहना ये चाहती हैं कि शायरी को पहले समझ लें, समझेंगे तो हम उसको एक्सप्रेशन दे पाएंगे। अगर जैसे कि कोई अगर उनको नहीं समझेंगे हम शायरी को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ उसको ऊपरी गाएंगे, समझ लेंगे तो हम वो फीलिंग्स डाल पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पूर्वा जी, लेकिन गज़ल गायकी में मेल सिंगर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है, ऐसे में फीमेल सिंगर्स अपने आप को मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, डोमिनेशन मेल का रहा है, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि फीमेल गज़ल गायिकाएँ भी उतना ही बखूबी गज़लों को गाती हैं, गाती आई हैं, जैसे कि बेगम अख्तर जी हैं, फरीदा खानम हैं, बहुत से सिंगर्स हैं, उसके बाद मिताली सिंह जी हैं, चित्रा सिंह जी, बहुत सो काम जानते हैं, तो उतना ही अच्छा वो भी गाती हैं और गाती आई हैं। जब आपने जिक्र किया बेगम अख्तर जी का जी, तो हम चाहते हैं कि उनका कोई कलाम आप ज़रूर सुनाएं। ज़रूर, बेगम अख्तर जी की मैं सुदर्शन फाकिर साहब का कलाम है वो मैं सुनाती हूँ। जी ज़रूर। कुछ तो दुनिया की
इनायत ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया के इनायत ने दिल तोड़ दिया, और कुछ तल हालात ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया के वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे आज बहुत ज़बरदस्त आपने सुना दिया। पूर्व जी, गज़ल गायकी में आप काफ़ी अरसे से शोज़ पेश कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप उस ज़माने से ऑडियंस को देख रही हैं, लेकिन आज जो ऑडियंस है उस बीच कितना बदलाव आया है ऑडियंस में, किस तरह की गज़लें आजकल पूछ रहे हैं, मतलब किस तरह की फरमाइशें की जा रही है, वो आप ज़रूर बताएं। हाँ जी, तो पहले मैं ऐसा समझती हूँ कि थोड़ी सी भारी गज़लें या भारी जिनके लिरिक्स हैं वो सुने जाते थे। आजकल या तो ये कहें कि लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, पेशेंस कम हो गया है, टाइम कम हो गया है, तो वो ये चाहते हैं कि जितनी सरल ज़बान हो उतना अच्छा है, मतलब सुनते ही समझ आ जाए, दिल में उतर जाए, तो वो सुनना अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा। पहले के मुकाबले पहले हम अमीर गालिब दाग को ज़्यादा गाते थे, आजकल लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी ज़बान आसान हो, जो ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, जल्दी से उनको समझ में आ जाए, तो वो पसंद अब ज़्यादा कर रहे हैं। आसान आसान लफ्ज़ों में जो शायरी की जाती है उसे ही लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात है कि वो चीज़ आपने भी शायद छुपा रखी है या लोगों तक वो बात नहीं पहुंची, आपने सारेगामापा 1999 में हिस्सा लिया था, उस बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। जी, 1999 में सारेगामा जब सोनू निगम जी होस्ट करते थे तब मैं गई थी और मेगा फाइनल तक पहुंची थी। अच्छा। फिर मैं मेगा फाइनल तक जीती, चार राउंड्स जीती थी, फिर मेगा फाइनल में मैंने लूज़ किया श्रेया घोषाल के अगेंस्ट। अच्छा। श्रेया घोषाल थी उसमें विनर। हाँ, तो वो अच्छी जर्नी थी। उस समय सारेगामा भी बहुत ही म्यूजिकली ओरिएंटेड था। हाँ, म्यूजिकली ओरिएंटेड था, तो मेरे को जजेस भी बहुत अच्छे मिले, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित किशन महाराज, सब अच्छे बड़े बड़े जजेस मिले विलायत खान साहब, तो वो अच्छी जर्नी थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे आपने ज़्यादातर गज़लें या गीत क्या आपने सुनाया? वहाँ पे अलग अलग राउंड्स होते थे, ज़्यादा तो फिल्मी होते थे, गज़लों के भी एक दो राउंड होते थे, क्लासिकल सॉन्ग्स के राउंड होते थे, ज़्यादा फिल्मी होते थे। अच्छा, जब आपने फिल्मी की बात कही है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए कोई फिल्मी गीत जो आपको अच्छा लगता हो वो ज़रूर गा के सुनाइए। जी, मैं एक लता जी की गाई हुई फिल्मी गज़ल ही पेश करती हूँ आप सबके लिए। जी जी, मदन मोहन जी का म्यूज़िक है इसमें।
अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर पूर्वा जी हमें ये बताइए कि गज़ल गायकी में आप किसको आइडियल मानते हैं? किसी भी आर्टिस्ट के लिए आइडियल बोलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें हर आर्टिस्ट जिसको हम सुनते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले तो हम जिनसे सीखते हैं हमारे गुरु, वो सबसे पहले हमारे आइडियल होते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं सुनती बहुत हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जितना हम गाने से सीख सकते हैं उससे ज़्यादा हम सुन कर सीखते हैं। अच्छा। तो मैं सुनती बहुत हूँ, तो हर आर्टिस्ट से मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ना सिर्फ ये बड़े आर्टिस्ट, हम छोटों को भी सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने हमेशा सुना है और उन्हीं सबसे सीखा है। मतलब आप कहना नहीं चाह रही हैं कि भाई मुश्किल है बोलना, मुश्किल है। जब मैं मेहंदी हसन साहब को सुनती हूँ तो मुझे वो ऐसा लगता है कि ऐसे ही गाना चाहिए, जब मैं जगजीत सिंह साहब को सुनती हूँ तो उनमें कुछ खूबी दिखती है। तो एक आइडियल बना पाना बताना मुश्किल है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि हर गज़ल सिंगर का कोई ना कोई पसंदीदा शायर होता है, जी आपके कौन पसंदीदा शायर रहे होंगे? फिर मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि गज़लें सभी की गाई हैं मैंने। हाँ, वही जैसा कि जो गज़ल आपको के दिल को छू जाए वो आपको अच्छी लगती है। हाँ, मुझे बेसिकली ज़ाती तौर पे मुझे अहमद फराज, परवीन शाकिर पसंद हैं, पर इसमें भी मैं कहूँगी कि स्पेसिफाई करना मुश्किल है मुझे। मैंने सभी शायर गाए हैं, हैदराबाद के भी शायर गाए हैं और दुनिया भर में जित सभी शायरों को गाया मैंने। पूर्वा जी यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, बहुत सारी बातें भी सुनी जाएगी और बहुत सारी गज़लें भी आपसे सुनना बाकी है। तो नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्ट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं गज़ल की दुनिया के पुरनूर सितारा पूर्वा गुरुजी से। ब्रेक से पहले हमने बात की आपके कैरियर के मुतालिक, आपके गुरुजी के मुतालिक। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा, हालिया दिनों आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल जो अब्बास अली शौक साहब की लिखी हुई जी। मैं चाहता हूँ उस बारे में आप हमारे ऑडियंस को वो बातें ज़रूर शेयर करें जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है वो गज़ल के बारे जी, में जी। ये गज़ल अब्बास अली शौक साहब की, जैसे आपने लिखी हुई है, बहुत बेहद खूबसूरत गज़ल है और इसे कंपोज किया है जनाब राम अवतार दायमा जी, जी, जो सभी जानते हैं उनको। तो ये गज़ल हमने पोस्ट करी थी यूट्यूब पे, तो करीब 1.5 लाख व्यूज़ हुए हैं इसके। हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं चाहूँगी कि इसे मैं पेश करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर सुनाइए हमारे ऑडियंस को।
क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब जैसा कि हम सोशल मीडिया की तरफ हम बात कर रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह के ज़रिए आजकल बहुत ज़्यादा जो भी गज़लें फेमस होती हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक गज़ल सिंगर के लिए सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से कितने फ़ायदे हुए? सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट को एक ज़रिया चाहिए होता है जो अपना फ़न दिखा सके। और इस पे एक शेर भी कहा गया है कि खुशबू को फैलने का शौक़ तो बहुत मगर खुशबू को फैलने का शौक़ तो बहुत है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता करे बगैर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प करी है आर्टिस्टों को, जहाँ वो अपना फ़न का मुजाहरा कर सकें हर जगह। और हम यूट्यूब पे हैं, कहीं भी हम अपने पोस्ट करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचा पा रहे हैं अब। अच्छा। और सोशल मीडिया तो है ही है, टेक्नोलॉजी भी ऐसी है, ट्रैक्स अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ट्रैक्स पे आप गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो इट्स अ बून, मैं बोलूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया आने से अक्सर आपके प्रोग्राम्स वगैरह जिस तरह होते थे स्टेज शोज वगैरह अभी बहुत कम हो गए हैं। बेसिकली लोग घर बैठे मोबाइल के ज़रिए गज़लें आपकी सुन रहे हैं, गाने आपके सुन रहे हैं, तो आर्टिस्ट को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुआ है, पर फिर भी महफिल का मज़ा तो महफिल का ही होता है।
अच्छा, क्योंकि जब भी हम एक सामने ऑडियंस के बैठते हैं तो हमारे गाने में भी जब हमको उनसे अप्रिसिएशन मिलता है या हमें लगता है कि उनको अच्छा लग रहा है तो हमारे गाने में भी फ़र्क आता है। टेक्नोलॉजी, हम घर में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं तो हम वो एक्सप्रेशन, जो मेरा मानना है, नहीं दे पाते जितने जब हम सामने किसी को देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। क्या बात है पूर्वज जी, जब आपने महफिल का जिक्र किया है तो गज़लें तो आप गाती ही हैं जी। अगर मान लीजिए ऑडियंस में से फिल्मी गानों की फरमाइश की जाए तो तब आप क्या करती हैं? फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि ऑडियंस तो हमारे एक तरह से भगवान बोलते हैं ऑडियंस को जी जी। तो उतनी अगर कोई फरमाइश है तो फिल्मी भी गाती हूँ मैं, जैसा वो चाहें। तो भाई जब जिक्र हो चला है तो मैं चाहता हूँ कि कोई फिल्मी गज़ल आप सुना दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मैं एक काफ़ी फरमाइश आती है इस गाने की, उमराव जान मूवी से गाना है, वो पेश करती क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गज़ल सुनाई उमराव जान की। जब फिल्मों की बात चली है तो कहा यह जाता है कि उर्दू के बग़ैर फिल्में अधूरी सी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उर्दू फिल्में ही नहीं, गज़लें भी, उर्दू एक बहुत ही मीठी ज़बान है और हम किसी भी अपने फीलिंग्स को अगर बहुत ही सलीके से और मीठे ढंग से पेश करना चाहें तो उसके लिए उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत ज़बान है और इसे हमेशा से गज़लें तो उर्दू में होती ही हैं, फिल्मी गाने तो क्या, फिल्मी गज़लें भी कई उर्दू में ही होती हैं, तो मैं समझती हूँ उर्दू की बहुत इम्पोर्टेंस है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा पूर्वा गुरु जी, आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए होंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो यादगार परफॉर्मेंस जो आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाया हो हमारे ऑडियंस को ज़रूर शेयर करें। मुझे एक्चुअली 1994 में लता मंगेशकर अवार्ड मिला था। अच्छा। जो मुझे दिया था जगजीत सिंह साहब ने। अच्छा। तो तब मुझे जाके ऐसा लगा कि, तब मुझे जगजीत सिंह जी ने कहा था कि ये अब शुरुआत है तुम्हारी। अच्छा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे म्यूज़िक को सीरियसली लेना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि उसके पहले मैं अपने फादर के उस अंडर में ज़्यादा वो थी, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब प्रॉपर रियाज शुरू करना चाहिए और अब मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने
मैं समझती हूँ वो एक टर्निंग पॉइंट था जगजीत सिंह जी का कहना कि अब शुरुआत है तुम्हारी। क्या बात है। उसके बाद फिर मैंने सीरियसली, जब आपने जगजीत सिंह जी का नाम लिया तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के मतलब उनकी मिसेस की गाई हुई कोई एक चीज़ ज़रूर आप सुनाएं। बिल्कुल, चित्रा सिंह जी की गाई हुई गजल मैं पेश कर रही हूँ, इसकी तर्ज जगजीत सिंह जी की है, पेश करती हूँ। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा पूर्वा जी। आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो गज़ल की तरफ रागी हो रहे हैं नौजवान, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? पैगाम सबसे पहले तो मौसिकी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और जैसे कि मेरे फादर मुझे हमेशा कहते थे कि संगीत का कोई शॉर्टकट नहीं है, रियाज़ को पूरा टाइम देना पड़ेगा, तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि हाँ, तालीम लेना बहुत ज़रूरी है, तो कोई अच्छे गुरु से तालीम लें और रियाज़ करें और इससे मोहब्बत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, इतना वक्त दिया। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि और भी बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी गज़लें सुने, तो चलते चलते आप आखिर में क्या सुनाना चाहेंगी? जी, हमारे हैदराबाद के ही और एक कंपोज़र हैं जनाब नजमुद्दीन जावेद साहब, मतलब वो हैं तो तबलिस्ट, कंपोज भी करते हैं, तो उनकी काफ़ी गज़लें मैं गाती हूँ। अच्छा। तो उनकी एक कंपोजिशन और कलाम फैज़ अहमद फैज साहब का पेश करती हूँ। जी ज़रूर। छुपा
बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।